नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AK स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के सभी राष्ट्रपतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। सन 1947 से और अब तक के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनका तिथिवार विवरण हम आपको बताएंगे। तो कृपया वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको सही ढंग से पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक था। भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जिनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक था और ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन का निधन हो जाने के बाद में 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे थे वी.वी. गिरी। वी.वी. गिरी ने किन्हीं कारणवश इस्तीफा दे दिया। उसके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बने मोहम्मद हिदायतुल्ला। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक उनका कार्यकाल था और वो पहले राष्ट्रपति थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और देश के चौथे राष्ट्रपति बने थे वी.वी. गिरी, जिनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक। देश के पांचवें राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, जिनका कार्यकाल था 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। इनके कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी उनके कार्यकाल के समय में ही मृत्यु हो गई थी। पांचवें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई और उसके बाद में कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था बासप्पा दानप्पा जत्ती यानी बी.डी. जत्ती को, जिनका कार्यकाल था 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। भारत के छठवें राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक था और ये देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। भारत के सातवें राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक था और ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। भारत के आठवें राष्ट्रपति थे आर.वेंकटरमन, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 तक था। भारत के नौवें राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक था। भारत के दसवें राष्ट्रपति थे कोचिरिल रामन नारायणन यानी K.R. नारायणन, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक था। भारत के ग्यारहवें राष्ट्रपति थे डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक था और ये भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत की बारहवीं राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक था और ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। भारत के तेरहवें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक था
भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 से शुरू हो चुका है।